ये जा रहा था लिया, तुम्हें पूछा कि लगभग कितने का बिकेगा, तो बोल रहा कि कम से कम कि हमको दौड़ाते दौड़ाते आ गया है क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने मजरा में हूँ और चलिए आपको दिखाता हूँ और कुछ जानकारी भी देता हूँ बकरियों के बारे में। तो आप लोगों के मन में यह सवाल आता होगा फ्रेंड्स कि यहाँ बकरियाँ कितना महंगा बिकती होंगी सऊदी अरब में या कितना सस्ता बिकती होंगी। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ कि कितना बड़ा कितना वजन का बच्चा कितने पैसों में बिकता है। और आप लोग सोचेंगे कि इतना जानकारी मुझे कैसे है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास बकरियां खुद हैं यहाँ पे और भेड़ भी है, और जब भी यहाँ से जाती हैं सब बिकने के लिए तो मैं साथ में जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी से उतारना है, गाड़ी पे लादना है, कितना बिक गए कितनी बाकी है जो नहीं बिकती है फिर उसको उठा कर रखता हूँ। और पहले वीडियो भी बना रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर है। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं करेक्ट ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है फ्रेंड्स। और मैं सोचता था यहाँ आने के बाद कि कोई काम तो है नहीं, उस टाइम जब मैं आया था तो सोचता था कि कोई काम तो है नहीं, और इतना ज़्यादा पैसा किस चीज़ का हमको दे रहा है। 1200 तो हमारे लिए बहुत है फ्रेंड्स, 12 दून 24 24 हज़ार 25 हज़ार के लगभग इंडिया का हो जाएगा। तो बाद में जब हमको लेकर मार्केट गया तब पता चला कि भाई ये तो बहुत पैसा है इन लोगों का बकरी पालन में। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं मैं अपने मजरा में हूँ और काम कर रहा था यहीं पर। मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं इसके बारे में, क्योंकि बहुत भाई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि सऊदी अरब में बकरियां कितने में बिकती हैं। तो यहाँ वज़न के हिसाब से बकरियां नहीं बिकती है, जैसे अपने तरफ वज़न के हिसाब से बच्चे और बकरियां बिकती हैं सब। ये देखिए, ये भी मुर्गे हैं सब, मजरा में ये रहते हैं हमेशा, बच्चे हैं। तो फ्रेंड, जैसे अपने इंडिया में समझ लीजिए, अपने इंडिया में ये ख़रीदने वाले जो आते हैं उसको उठा के देखते हैं या ऐसे पीछे से पकड़ के देखते हैं कि तकरीबन वज़न कितना है या मांस है या नहीं, ऐसे वो लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो जितना बच्चा है उसको उतना ही बढ़िया रेट मिलता है, सही है ना। यहाँ जो खसी है, जैसे बकरा है वो बच्चा है, तो उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पैसे वाले आदमी है लोग। और जैसे अपने तरफ नहीं कहते हैं कि वो बुढ़ा हो गया है तो किसी काम का नहीं है, और जैसे मान लीजिए बकरा जो खाने वाले लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि ज़्यादा बुढ़ा या ज़्यादा बड़ा में जितना मज़ा नहीं आता है उतना छोटा वो लोग खाते हैं, इससे मज़ा आता है। तो इसी तरह से ये लोग भी हैं, सऊदी लोग भी हैं। ये देखिए, ये तो एकदम जैसे कि पीछे पीछे ही रहता है। ये देखिए हमको दौड़ाते दौड़ाते आ गया है क्या है। तो हमेशा जब मैं ही रहता हूँ यहाँ पर, इन लोगों को खिलाता उलाता हूँ, तो इसीलिए ये लोग पीछे पीछे ही रहते हैं, मारता हूँ नहीं मैं, क्या फ़ायदा इन लोगों के लिए फ्रेंड्स, हमको पैसा मिल रहा है खिलाने पिलाने का, तो क्यों मारूँ, थोड़ा परेशान भी करते हैं सब, और मारता नहीं, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे ये पीछे पीछे ही चलता है। अभी जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ जाएगा, अभी ये भी आ जाएगी हमको लगता है। ये देखिए, ये भी आएगी। और इधर देख रहे हैं आप लोग, इधर हैं सब। तो चलिए एक पकड़ के दिखाता हूँ कि कितना वज़न का है और लगभग कितना मिल सकता है उसको। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं जा पाता हूँ मार्केट में, नहीं जा पाता हूँ फ्रेंड्स, और जो हमारा कफील है वही लेकर जाता है। तो वो जब लेके जाएगा, वो जब लेके जाता है फ्रेंड्स और वहाँ से जब आता है तो मैं पूछता हूँ कि हाँ ये बच्चा कितने का बिका है। तो अभी ये देखिए, ये तीन है, और मैं एक तरह से, अरे ये लोग एक जगह पर रुके उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वही होगा करीबन 7 किलो का होगा, 7 या 8 किलो का यही होगा। और इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है, और ये एक अंदाज़ा देख लीजिए, इसको अगर ये हमारा कफील इसको अगर बेचेगा, मैं जब ये जा रहा था लिया तो मैं पूछा कि लगभग कितने का बिकेगा, तो बोल रहा कि कम से कम 1000 का। ये देखिए, ये कम से कम 1000 का बिकेगा, 1000 रियाल का, और ये तकरीबन सभी का वही रेट लगाएगा, थोड़ा बहुत कम बेसी लगाएगा। ये पाठी है, ये दोनों खसी है, ये जो बद्दी कर दिया है, तो इन लोगों का अगर 1000 में एक को बेचता है, अभी मैं कम ही बता रहा हूँ अंदाज़ा, इससे भी ज़्यादा बेच दे थोड़ा बहुत और भी इन लोगों में मांस अगर चढ़ जाए तो। फ्रेंड्स
1000 का आप लोगों को पता ही होगा कि 1000 का हो गया कम से कम 21,000 इंडिया का। तो देखिए कितना छोटा है और कितना अच्छा पैसा मिल जाएगा। और ये आप देख लीजिए इतने सारे जब हैं 50-60 हैं अभी तो इधर उधर चले गए तो कितना पैसा इसको मिलता होगा। और एक ही बच्चे से हमारा सैलरी दे सकता है 1200। तो फ्रेंड्स मैं इस मजरा से बाहर नहीं जा पाता हूँ इसीलिए इसके अंदर अंदर वीडियो बनाता हूँ, मजरा के बारे में जानकारी देता हूँ, बकरियों के बारे में मैं कौन सा काम करता हूँ यही सब बताता हूँ फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।